तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। लाखों युवाओं का सपना यूपीएससी की परीक्षा को पास कर अधिकारी अफसर बनने का होता है। बहुत से युवा यूपीएससी की परीक्षा निकाल भी लेते हैं, लिखित परीक्षा निकाल लेते हैं, प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार उनके राष्ट्र में रुकावट के रूप में यूपीएससी की परीक्षा में ऐसा इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो बाहर का रास्ता नाप लेते हैं। कई बार तो ऐसे सवाल इतने आसान होते हैं कि पूछने जाने के तरीके से अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाता है और वह अधिकारी बनने के लिए इससे बाहर हो जाता है। आज हम जानते हैं कुछ ऐसे अजीबोगरीब और ट्रिकी सवाल जो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल है, शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो पति अपनी पत्नी से कभी नहीं लेता लेकिन पत्नी शादी होते ही ले लेती है? तो इसका सही उत्तर है सरनेम, जिसे उपनाम कहते हैं। जैसे कोई अगर वो जिस जात का आदमी है उस जात का उसको उपनाम लग जाएगा। दूसरा सवाल है, अगर 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? सही उत्तर बताइए, अगर 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? सही उत्तर क्या है? 20 सेब, क्योंकि एक खरगोश 1 सेब 5 मिनट में खाता है। तीसरा सवाल है हमारा, एक अंगूठा और 4 उंगलियां लेकिन हाथ नहीं है, बताइए क्या है? एक अंगूठा 4 उंगलियां लेकिन हाथ नहीं है, बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दस्ताना। एक युवती को देख मोहन ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, वह लड़की मोहन की क्या है, बताइए? एक सवाल अगला है, चौथा सवाल है, एक युवती को देख मोहन ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, वह लड़की मोहन की क्या है? जवाब सही होगा बहन। हमारा अगला सवाल है, ऊँट जो कैमल होता है पानी पीने के पश्चात गर्दन क्यों हिलाता है? तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका, ताकि गर्दन में रुका पानी उसके पेट में चला जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में बैंक को क्या कहते हैं? जो हिंदी है, हिंदी में बैंक बैंक है, जो इंग्लिश है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है अधिकोष कहते हैं। सवाल नंबर अगला है, ट्विटर पर दिखने वाली चिड़िया का क्या नाम है? जो ट्विटर है, नीले रंग की चिड़िया, उस चिड़िया का क्या नाम है जो ट्विटर पर दिखाई देती है? सही नाम है लैरी नाम है। अगला सवाल है, वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? सही उत्तर है लौंग। अगला है कि मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं? जो मिनट होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सही उत्तर बताइए, मिनट को हिंदी में सही उत्तर है क्षण कहते हैं, एक क्षण दो क्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? जो एटीएम मशीन होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका सही जवाब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है जो ISPCS में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।